हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकियस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी A3 में आप फाइल्स कैसे हाइड कर सकते हैं, मतलब फ़ोटोज़, वीडियोस, ऑडियोस कैसे हाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है फ़ोटो हाइड ऐप, और आपको इस वाली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, हाइड फोटोज़ वीडियो हाइड इट प्रो को। तो यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों, ऐप इंस्टॉल हो रही है। तो दोस्तों, ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो अब आपको दोस्तों ये जो ऊपर लिखा हुआ है ऑडियो मैनेजर, आपको यहाँ पर इस वाले लोगो को लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगी, पिन और पासवर्ड। तो मैं पिन सेट कर लेता हूँ, पिन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी पिन सेट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 एंटर करता हूँ फिलहाल। तो सेव पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसे स्किप कर देंगे। तो अब आपको फिर से ऑडियो मैनेजर पर लॉन्ग प्रेस करना है। पिन एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगी, जो हमने सेट किया था वो एंटर कर देना है। यहाँ पर ग्रांट परमिशन पर क्लिक करके इसे परमिशन दे देनी है। ऑडियो मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से परमिशन दे देंगे। अब हम बैक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये सेक्शन ओपन हो चुका है। तो अब आपको कोई फ़ोटो हाइड करनी है, वीडियो हाइड करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं फोटोज़ पिक्चर्स पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये फोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और ऊपर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। गैलरी से भी सेट जो है हाइड कर सकते हैं फ़ोटो, कैमरा से भी क्लिक करके। तो मैं गैलरी को सिलेक्ट करता हूँ, तो गैलरी से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, फ़ोटो हाइड हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है। अनहाइड करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे, अनहाइड पर क्लिक कर देना है, और अनहाइड पर यहाँ से इस पर क्लिक कर देना, तो ये अनहाइड हो जाएगी। ऐसे आप यहाँ से वीडियोस भी हाइड कर सकते हैं। सिंपली आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके सेम मेथड से वीडियो और ऑडियो भी हाइड कर लेनी है।